नमस्कार मित्रों, आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं वो हमें सोचना है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे अनार के प्लांटेशन में, जब बेजल डोज हम इस्तेमाल करते हैं तो बेजल डोज में हम लोग गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर खाद, जिसको छनिया खाद भी बोलते हैं, मराठी में शेण खाद भी बोलते हैं। और जो गोबर खाद हम इस्तेमाल करते हैं वो गोबर खाद किस क्वालिटी का है, ये हमारे पेड़ के लिए, हमारे जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कौन सी क्वालिटी का है, इसमें दो ही क्वालिटी आती है। एक तो जो कच्चा गोबर आता है, कच्चा छनिया खातर आता है, कच्चा जो डिकम्पोज नहीं है, और दूसरा आता है जो प्रॉपरली उसको डिकम्पोजिशन करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं बेजल डोज में। अब जो कच्चा अच्छा सड़ा हुआ अच्छा डिकम्पोज्ड गोबर खाद अगर हम डालेंगे तो उसका हमको 100% बेनिफिट होगा। रूट हेल्थ के लिए भी होगा, जड़ों की आजू बाजू में जो पानी पकड़ने की जो क्षमता है ज़मीन की वो भी सुधरेगी, और जो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणु है, मित्र जीवाणु है, उनकी ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदा देता है। वाइट रूट को भी ग्रोथ अच्छा देता है अच्छा सड़ा हुआ अच्छा डिकम्पोज्ड गोबर खाद। पर अगर हम कच्चा गोबर खाद डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बेजल डोज में, कच्चा गोबर खाद जिसको हम डिकम्पोजिशन नहीं करते हैं, वो गोबर खाद क्या क्या नुकसान दे सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कच्चा गोबर खाद जब हम ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में डालने के बाद, बेड में डालने के बाद, वो गोबर खाद की सड़ने की प्रक्रिया बेड में चालू हो जाती है। और जब वो बेड में जब उसकी जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया चालू होती है तब वो गोबर खाद का टेम्परेचर 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ता है गोबर खाद का सड़ने के लिए यानी डिकम्पोजिशन के लिए, तो उसके बगल में आजू बाजू में जो वाइट रूट्स, जो हमारी सफ़ेद जड़ें जो है, वो सफ़ेद जड़ों को वो नुकसान करता है, जड़ें जलाने में भी बड़ा काम करता है। इसलिए वाइट रूट्स कच्चे गोबर में कभी नहीं डेवलप होते। दूसरा, कच्चा गोबर डिकम्पोजिशन के लिए ज़मीन में जितना ऑक्सीजन है सारा खींच लेता है, और हमारे ज़मीन में जो रूट जोन में ऑक्सीजन की जो मात्रा चाहिए जड़ों को वो कम हो जाती है, जिससे जड़ों के जो नोक है वो काले पड़ते हैं, चॉकलेटी पड़ते हैं, सड़ जाते हैं और वाइट रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है, और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी कम रहती है कच्चे गोबर की। इसलिए मित्रों, जब भी आप गोबर खाद का इस्तेमाल करो तो उसको डिकम्पोजिशन करो प्रॉपरली। जैसे आपका सीज़न 2 महीने के बाद चालू होने वाला है बेजल डोज एप्लीकेशन का, तो 2-3 महीना पहले आप गोबर खाद लेके आओ, उसका एक चौरस में आप उसको बनाइए बराबर उसका प्लिंथ, उसके ऊपर आप ऊपर से होल करके उसके अंदर डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया मिक्स कीजिए, रॉक फास्फोरस इस्तेमाल कीजिए ताकि फास्फोरस और बैक्टीरिया का जब मिश्रण बनता है तो उसको वो डिकम्पोजिशन करने में बहुत मदद करता है, और अच्छा कंपोस्ट गोबर खाद बनता है हमारा जब आप उनको प्रॉपरली डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके 2-3 महीना पहले जब करते हैं, यानी 90 दिन पहले, तो 40 दिन की प्रक्रिया होती है उसकी डिकम्पोजिशन। 40 दिन के बाद बढ़िया चाय पत्ती की तरह काला चॉकलेटी हमारा छनिया खाद, गोबर खाद या शेन खाद जो बोलते हैं वो बन जाता है, और फिर आप उसको अप्लाई कीजिए, आपको उसका 100% बेनिफिट मिलेगा। बस ये ज्ञान की बात आपसे आज करनी थी। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।